हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। आज तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर, जिसको नेचुरल ब्यूटीफुल फ्लावर कहा जाता है, उसकी बातें करूँगी आपके साथ। और उसके लिए मैंने वो फूल एक ही दिन तक रहता है, एक दिन के बाद वो मुरझा जाता है, इसलिए मैंने लगातार 5 दिन का ये वाइन है और 5 दिन का रिकॉर्ड किया कि किस तरह से कितने कितने फूल आ रहे थे मेरी वाइन पर। तो चलिए मिलते हैं। इसको कहा जाता है पैशन फ्लावर, राखी फूल के नाम से भी जाना जाता है और कृष्ण कमल भी कहा जाता है, पर्पल पैशन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, पैसी फ्लोरा भी कहा जाता है, पैसी फ्लोरा वाइन भी कहा जाता है और ये है फैमिली पैसी फ्लोरेसी से बिलोंग करता है। तो देखिए कितने सारे नाम वाले पौधे को, उसके फूल को, कितना सुंदर फूल है, देख के ही मन मोह लेता है। ऐसे लगता है जैसे राखी बांध दी हो, जैसे रक्षाबंधन पे एक बहन भाई को राखी बांधती है, बिल्कुल उसी शेप में। देखिए मेरे पास जो है वो कई, वैसे तो कई वैरायटीज में आते हैं, मेरे पास ये वाला पर्पल वाला है, एक रेड भी है मेरे पास, ब्लू भी है, लेकिन वो अभी खिले नहीं है, तो पर्पल खिल गया फूल मेरे, ब्लूम कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर है, इसकी पांच ये येलो येलो से हैं, एंटीलोप्स जिसको कहा जाता है, और ऊपर स्टिग्मा है, बहुत सुंदर लगता है। देखिए ये डे वन में ये मेरा फूल आया और इसकी जो वाइन होती है ना, इसमें टेंड्रिल्स होती हैं। देखिए जगह जगह मेरे जेड को पकड़ लिया, जेड की टोकरी को, जहाँ इसको जगह मिलती है, किसी रस्सी को, किसी भी, ये देखिए इधर भी इसने मेरा एंजॉय पॉथोस है उसको भी ले लिया। तो टेंड्रिल्स होने की वजह से ये वाइन इसी तरह बढ़ती जाती है, और वुडी भी होती है ये वाइन, लेकिन ये रेगुलर प्रोड्यूस करती रहती है बहुत ही अच्छे शोई फ्लावर्स। देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्लावर, बस एक दिन सुबह से लेके शाम तक रहता है और फिर मुरझा जाता है। ये जो बेल है ये गर्मियों में फूल देती है और तेज़ी से बढ़ती है। देखिए कलियाँ भी आ रही हैं, कितनी कलियाँ हैं, अब ये नेक्स्ट डे फिर खिल जाएंगी, दो चार हर रोज़ खिल रही हैं। बस यही है कि एक दिन उसको निहार लीजिए, नहीं तो अगर आप सोचेंगे कि अगले दिन भी देखने को मिले तो वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी वाइन अच्छे से चल रही है तो उसमें कोई दूसरा फ्लावर आएगा तो वो देखने को मिल जाएगा आपको। और जो इसकी लीव्स होती हैं वो अल्टरनेट होती हैं, एक इधर, इस तरह से इसकी लीव्स होती हैं। और जो इसकी फ्लावर की, ये देखिए लीव्स को, एक इधर होती है, और बर्ड्स भी आ रही हैं, देखिए कितनी सुंदर बर्ड्स लग रही हैं, और जब फ्लावर खिलेंगे तो सोचिए कितने सुंदर होंगे। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूइश वाइट पेटल्स होती हैं, मतलब थोड़ा ब्लू पर्पलिश ब्लू वाइट इस तरह से, देखिए ऊपर भी आ गए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये जो लार्ज फ्लावर है ये एक रिंग में इस तरह से पेटल्स और सेपल्स में ये घिरे होते हैं। और इसकी जो पॉलिनेशन है, देखिए डे टू आ गया, अब डे टू में देखते हैं कि कितने फूल खिले हुए हैं। देखिए एक ये है, ये मैंने अपनी दीवार पे इस तरह से वाइन्स को चढ़ाने के लिए बना रखी है ट्रेलिस, और देखिए दो दूसरा भी दिख रहा है मुझे, और मेरी ऊपर जो बास्केट्स लगी हैं इसको तो इन्होंने, ट्रेलिस को तो घेर ही लिया है इस वाइन ने, जबकि इस पे मॉर्निंग ग्लोरी और भी दो तीन वाइन चल रही थी, ये भी यहाँ पहुँच गई है, और ऊपर वाली बास्केट्स को भी इसने घेर लिया है। और इसकी जो पॉलिनेशन होती है, देखिए डे थ्री में भी आ गए हैं, इसकी पॉलिनेशन होती है जो इंसेक्ट्स बम्बल बीज होती हैं वो इसकी पॉलिनेशन कर देती हैं, और इसके जो फ्लावर्स हैं वो जुलाई अगस्त में खिलते हैं। और देखिए डे थ्री पे तो चार फूल आए हुए हैं, 1 2 3 4, एक साथ चार फूल आ गए हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे गर्मी पड़ती है, इसके मतलब सूरज की रोशनी आती है, वैसे वैसे इसके फूल खिलते रहते हैं, और लेकिन लगते बहुत प्यारे। बस मैं तो इंतज़ार करती रहती हूँ कब कौन सा फूल खिलेगा, और मेरी रेड वाली में भी थोड़ा थोड़ा सा उसमें भी कली बनने लग गई है, तो जैसे ही वो भी बनेगी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन पैशन फ्लावर में मैंने देखा सबसे सुंदर यही कलर लगता है, बाकी भी अच्छे लगते हैं लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यह सबसे सुंदर लगता है। और जहाँ तक हम इसकी केयर टिप्स की बात करते हैं, तो केयर टिप्स में इसको फुल सन भी दे देंगे आप, पार्शियल शेड भी देंगे तो भी चलेगा, फुल सन में बहुत अच्छा तक चलता है क्योंकि इसको लाइट सन
सनलाइट चाहिए होती है अच्छे से। और सॉइल में तो मैं हमेशा आपको कहना चाहूँगी कि सॉइल तो हमेशा वेल ड्रेन लीजिए कि पानी रुके नहीं, निकल जाए, और मॉइस्ट रखिए सॉइल को। और ट्रेलिस तो ज़रूर चाहिए होती है ऐसी वाइन्स, कोई भी वाइन के लिए आपको ट्रेलिस या कोई सपोर्ट देनी पड़ती है जिससे कि वो बढ़ सके। और जहाँ तक वाटरिंग की बात करते हैं तो इसको वाटरिंग भी खूब चाहिए, और ये सूखापन ड्रॉट को हैंडल नहीं कर पाता तो डीप वाटरिंग चाहिए इसको। और टेम्परेचर तो मतलब विंटर वाला टेम्परेचर तो नहीं सहन कर पाता तो इसको विंटर्स में प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए समर्स में ये फूल देता है अच्छे से। और फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात करते हैं तो हैवी फीडर है, इसको फर्टिलाइज़र लगातार देना पड़ता है। आप कंपोस्ट दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, गोबर की काऊ डंग की खाद दे दीजिए, कोई लिक्विड ऑर्गेनिक लेकिन दीजिएगा फर्टिलाइज़र, तो भी ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और जहाँ तक हम इसकी प्रूनिंग की बात करते हैं तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा रेगुलर प्रूनिंग की ज़रूरत भी नहीं होती, लो मेंटेनेंस मांगता है। और प्रोपेगेशन की जहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें जो फ्रूट्स भी आते हैं, छोटे छोटे से फ्रूट्स आते हैं जिसको कि मेपॉप कहा जाता है, बेरी की टाइप में, पहले ग्रीन होते हैं फिर येलो हो जाते हैं, वो जब फ्रूट्स राइपन हो जाते हैं उसके पॉड्स खुल जाते हैं और उसमें से जो सीड्स निकलते हैं उसको सुखा के अगर हम क्लीन करके ड्राई करके उससे प्रोपेगेशन कर सकते हैं इसकी। और देखिए डे 4 पे भी पहुंच गए हैं। मैं साथ साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर लेती हूँ, प्लीज़ सुमन की बगिया को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और इंस्टाग्राम हैंडल का भी मैं नीचे लिंक दे दूंगी जिसमें कि आप मेरे फ्लावर्स के बारे में, नई नई जो मेरे फ्लावर्स आते रहते हैं उसको भी आप देख पाएंगे। और लाइक तो ज़रूर करिएगा आप देख रहे हैं तो, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। देखिए अब 4th डे पे भी कितने सारे फूल खिले हुए हैं, 3, 4 आज भी खिले हुए हैं, 4 तो मुझे दिख चुके हैं, बहुत सुंदर लगते हैं इसके फूल। पैशन फ्लावर, राखी बेल कहा जाता है जिसको, ये पैशन फ्लावर जो है राखी बेल मेरे टेरेस पर भी आ रही है, पर्पल भी, यहाँ तो मैंने बालकनी में तो पर्पल ही रखी हुई है और टेरेस पे रेड भी है मेरे पास, और एक और कलर की है लेकिन अभी तक निकला नहीं फूल, जब तक निकलेगा तभी पता चलेगा किस कलर की है। उसने मुझे बोला कि इसमें येलो फूल आएंगे, मुझे मालूम नहीं है, अब जब तक आ नहीं जाते मैं कुछ बता नहीं पाऊँगी, जब आएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि कृष्ण कमल को तो ज़रूर सबको लगा लेना चाहिए समर्स में, और विंटर्स में मतलब ये फूल नहीं देता लेकिन पत्ते रहते हैं इसके, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं होता लेकिन रहते हैं पत्ते तो हमें, लेकिन ज़्यादा विंटर में इसको जब बहुत तेज़ ओस वगैरह पड़ती है, ठंड हो जाती है, तो हमें इसको थोड़ा सा बचा के रख लेना चाहिए, अंदर ऐसी जगह पे रख लेना चाहिए जहाँ पे बहुत ठंड ना पड़े ताकि हमारा प्लांट चलता रहे। जैसे ही समर्स आएंगी फटाफट से ग्रो होने लगेगा, और जब तक जुलाई अगस्त आएगी ये हमें फूल देने लगता है। चलिए आज तो इतनी सी बातें करूँगी, फिर आऊँगी फिर बातें करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स की बातें करना, इस नेचर की, क्यों, क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा है। तो चलिए फिर मिलते हैं, फिर बातें करेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स।